फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हम आज आपका सिक्स क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नेम है फूड वेहर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि जो हमारा फूड है, हमारा भोजन है, अदर लिविंग थिंग्स का जो फूड है वो कहाँ से आता है, कैसे प्रिपेयर होता है, उसके गेन करने की सोर्सेज क्या है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी भी टाइप के फूड को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे रोटी के लिए हमारा आटा हो जाता है, वाटर हो जाता है, किसी भी तरह की हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली साल्ट हो जाता है, चिल्ली हो जाता है। इस टाइप से हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जो चीज़ें हम किसी भी टाइप का फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स स्टूडेंट वो चीज़ें जो हम किसी भी टाइप का फूड यूज़ करने बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम रोटी ले लेते हैं, जिसे हम चपाती भी बोलते हैं। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि चपाती के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स आटा होगा, क्योंकि ये तो मेन इंग्रेडिएंट है, इम्पोर्टेंट है। आटे की ज़रूरत होती है हमें चपाती बनाने के लिए। फिर हम आटे को भिगोने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, तो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट हो जाएगा वाटर। इसी टाइप से मान लो हमें राइस के इंग्रेडिएंट्स पूछ लिया जाए कि हम चावल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा सबसे पहला राइस ही होंगे, रॉ मटेरियल के रूप में कच्चा चावल होता है जो। सेकंड हमारा वाटर होगा, क्योंकि बॉयल करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होगी। थर्ड हमारा होगा, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम जो राइस हैं वो मीठे बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं। नमकीन में जैसे हम चिल्ली का यूज़ करते हैं, साल्ट का यूज़ करते हैं, अदर स्पाइसेस का भी यूज़ करते हैं, और अगर हम मीठा बना रहे हैं तो हम उसके अंदर शुगर का यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं फूड के इंग्रेडिएंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स फूड के सोर्सेज की। जो हम फूड गेन करते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से गेन करते हैं उसको। स्टूडेंट्स, हम कुछ फूड्स को एनिमल्स से गेन करते हैं, कुछ को प्लांट्स से गेन करते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स दोनों ही हमारे फूड के सोर्सेज हैं। प्लांट्स से हम जैसे फ्रूट हो गया, और अदर पार्ट्स भी जो होते हैं प्लांट्स के हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। और एनिमल्स से हमें जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिर हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं जिसे हम दही बोलते हैं। तो ये सब हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, एनिमल से गेन करते हैं। तो क्या होता है, अगर हमें पूछ लिया जाए कि वीट है जो गेहूँ है उसका सोर्स क्या है, वो हम कहाँ से गेन करते हैं, तो वीट का सोर्स क्या हुआ हमारा गेहूँ का। सोर्स क्या होगा वीट फील्ड, मतलब कि गेहूं की खेती। आप सब देखते हैं हम खेतों में कितनी ज़्यादा ज़्यादा एरिया में गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं को फिर हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कि गेहूं की कटाई करते हैं जब वो पक के तैयार हो जाती है। फिर उसकी थ्रेसिंग करते हैं, मतलब कि जो भूसा होता है उसको उससे अलग करते हैं, और जो वीट के सीड्स होते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं अपने, उनको अलग करते हैं। फिर उसको घर पे लेके आके उसका आटा बनाते हैं। इस टाइप से अलग अलग फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं फूड के लिए। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम राइस ले लेते हैं। हमसे पूछ लिया जाए कि राइस चावल, चावल का सोर्स क्या है, तो चावल का जो हमारा सोर्स होगा वो होगा पैडी फील्ड। मीन्स स्टूडेंट्स धान की खेती, जिसे हम जीरी भी बोल देते हैं, देखी होगी स्टूडेंट आपने।
धान की खेती। तो इस टाइप से हर एक फूड के अपने अपने अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो जो प्लांट हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक हमारा फूड का सोर्स है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। देखो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट को हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रूट के साथ साथ हम कई प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी फूड के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे स्टेम हो गया हमारा, जिसे हम हिंदी में तना बोलते हैं, लीफ हो गया, पत्ती, रूट हो गया, जड़। तो इस टाइप से हम कई प्लांट्स के को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। फ्रूट तो हम हर प्लांट का लेते हैं, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, इस टाइप से। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके हम स्टीम को फूड के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम लीफ को फूड के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम रूट को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। स्टेम का हम एग्जांपल लें तो स्टेम हम किसकी यूज़ करते हैं फूड के रूप में? शुगर केन की, शुगर केन, जिसे हम गन्ना बोलते हैं। शुगर केन की, गन्ने की हम स्टेम को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। अगर लीफ की बात करें तो लीफ का हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पिनच, जिसे हम हिंदी में पालक बोलते हैं। पालक की हम पत्तियों को वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। रूट्स का हमारे लिए एग्जांपल हो जाएगा कैरेट का, गाजर का। देखो स्टूडेंट्स, रूट उसको बोलते हैं हम जो ज़मीन के अंदर हो, और आप सब जानते हैं गाजर कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर, उसको खोद के निकालते हैं। तो ये एक हमारा ऐसा प्लांट है जिसकी हम रूट को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। इसी टाइप से स्टूडेंट, ऐसा भी होता है कि हम एक ही प्लांट के दो या दो से ज़्यादा पार्ट को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडेबल पार्ट, मीन्स कि कुछ पौधे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट क्या है, खाने योग्य होते हैं। ईडेबल मीन होता है खाने योग्य, खाने योग्य, इसको हम ईटेबल भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम यूज़ करें तो हम मस्टर्ड प्लांट का यूज़ करेंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा हमारे लिए मस्टर्ड प्लांट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जो मस्टर्ड प्लांट्स के सीड्स होते हैं उनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, सरसों का तेल सुना होगा आपने। और जो लीफ है उनका यूज़ करते हैं हम वेजिटेबल के रूप में। तो क्या बोलेंगे? सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। इसी टाइप से स्टूडेंट्स, हम अदर फूड्स के बारे में भी सोच सकते हैं कि हम कहाँ से उनको गेन करते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप हनी को ही ले लो।
हनी है कि हनी हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन उसको प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप सबको पता है हनी शहद, उसको हमारी बीज हैं जो मधुमक्खियाँ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। बीज मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ हैं। हनी को हमारे कौन प्रोड्यूस करता है? हनी को बीज प्रोड्यूस करती हैं मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खियों का जो घर होता है, छत्ता होता है, उसको बोलते हैं हम बिहाइव। बिहाइव मीन्स क्या होगा? मधुमक्खियों का छत्ता, जिसमें क्या करती हैं वो अपना शहद प्रोड्यूस करती हैं। बीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स? अपने आसपास में जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनसे क्या करती हैं? स्वीट जूस गेन करती हैं। स्वीट जूस को गेन करके वो अपने बिहाइव में स्टोर करती है हनी बनाने के लिए। स्वीट जूस को बिहाइव में स्टोर करती हैं क्योंकि आपको भी पता है कि सारा साल तो ये नहीं होता कि जिन पौधों से वो अब स्वीट जूस गेन कर रही है या फ्लावर से जूस गेन कर रही है कि वो पूरा साल ही रहें। और बीज को फूड की तो जरूरत पूरा साल ही पड़ेगी, हर दिन ही पड़ेगी, तो इसलिए वो अपने पूरे साल के फूड का इंतजाम कर लेती है। स्वीट जूस जो वो स्टोर करती है अपने बिहाई में, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस होता है हमारा, जिसे हम मीठा रस बोलते हैं हिंदी में। बीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स? उस स्वीट जूस को अपने बिहाई में स्टोर करती हैं और फिर इसको हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने पूरे ईयर का फूड तैयार कर लेती हैं। एक होता है स्टूडेंट्स एनिमल्स का फूड, कि एनिमल्स जो अपना फूड है वो कहाँ से गेन करते हैं, कैसे गेन करते हैं, उनके सोर्सेज क्या है। जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपना फूड प्लांट से भी गेन करते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं। जो एनिमल्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को फूड के रूप में यूज़ करते हैं, उनको हम हर्बीवर्स बोलते हैं, जिसका मीनिंग हिंदी में शाकाहारी होता है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स शाकाहारी। एग्जाम्पल ले तो हमारा इसका हो जाएगा पैरोट, तोता है जो वो क्या करता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को फूड के रूप में यूज़ करता है। डियर, हिरन, वो भी प्लांट्स को ही फूड के रूप में यूज़ करता है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिल जाएंगे जो हैं वो फूड को रूप में ओनली प्लांट्स को ही यूज़ करते हैं, या उनसे जो प्रोडक्ट उन्हें मिलता है उसको ही यूज़ करती हैं। सेकंड आता है हमारा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को फूड के रूप में यूज़ करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का हिंदी में मीनिंग होता है स्टूडेंट मांसाहारी। एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे इसके, टाइगर हो गया, लायन हो गया, इस टाइप से।
थर्ड आता है स्टूडेंट हमारा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को भी फूड के रूप में यूज़ करते हैं, बट साथ साथ वो अदर एनिमल्स को भी अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। तो क्या बोलेंगे? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स होता है स्टूडेंट सर्वभक्षी, मीन्स जो शाकाहारी भोजन भी करे और मांसाहारी भोजन भी करे उसे हम बोलते हैं सर्वभक्षी। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ओमनिवोर्स का स्टूडेंट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम खुद ही हैं ह्यूमन बींग, क्योंकि हम मांसाहारी भी हैं, हम नॉन वेज फूड भी यूज़ करते हैं और वेज फूड भी यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग। तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ फिनिश होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।